श्री कृष्णा, बांसुरी मेरे हाथ में क्यों है आप लोग सोच रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण को ये बांसुरी इतनी प्रिय थी, वो हर वक्त इसको अपने साथ रखा करते थे। तो क्यों भगवान श्री कृष्ण इस बांसुरी को अपने साथ रखते थे, चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखते रहिए और देखने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली इतनी प्रिय क्यों है। एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु आप ये बताइए कि आपको इतनी प्रिय ये बांसुरी आखिर क्यों है, इतना प्रिय तो आपको हम गोपियाँ भी नहीं हैं। तब इसका उत्तर तो सिर्फ मुरली ने दिया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक मुरली उत्तर कैसे दे सकती है, इसके अंदर तो कॉन्शियसनेस भी नहीं है तो ये उत्तर कैसे देगी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु में कॉन्शियसनेस होती है, हर एक वस्तु जीवित होती है। भगवान श्री कृष्ण की गाय भी बोल सकती हैं, भगवान श्री कृष्ण के कुंडल भी आपस में बातें कर सकते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस भौतिक जगत में जो वस्तु मैटर है वो मैटर है और जो रियल है वो रियल है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु के अंदर चेतना होती है, इसलिए वो बात भी कर सकती है। तो बांसुरी ने गोपियों को उत्तर देते हुए कहा कि सबसे पहला कारण मेरा ये है कि भगवान श्री कृष्ण के मैं हमेशा अधरों के पास रहती हूँ। वो इसीलिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बांसुरी ने उत्तर दिया कि मैं कभी भी बिना अपनी मालिक के आज्ञा के नहीं बोलती। इसका मतलब सिर्फ बोला तभी जाए जब आवश्यकता हो, आवश्यकता के अनुसार ही आपको बोलना चाहिए। बिना अगर आपकी आवश्यकता नहीं है बोलने की तो बीच में आपको बोलना नहीं है, और जब भी बोलना है। बांसुरी कहती है कि मैं जब भी बजती हूँ तो बहुत मीठा स्वर निकालती हूँ, तो जब भी हम कुछ बोलें तो हमें हमेशा अपने मुख से मीठे स्वर ही बोलने चाहिए। जैसे कि कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, खुद को भी शीतल करे और भी शीतल होए। तो इसी प्रकार से हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे कि सभी को प्रसन्नता हो और उनको सुख की अनुभूति हो। अच्छा, दूसरा कारण बांसुरी ने बताया कि आप देखिए मैं बिल्कुल खोखली हूँ। ये बांसुरी अंदर से ना बिल्कुल खोखली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब, गोपियों ने पूछा, खोखली इसका मतलब ये कि बांसुरी कहती है कि मैं अंदर से बिल्कुल खोखली हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं अपने अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रखती हूँ। मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष किसी भी मनुष्य के प्रति नहीं रखना चाहिए, हमेशा सभी के प्रति आदर भाव और समान भाव ही रखना चाहिए। बांसुरी ये दर्शाती है कि मैं सभी के प्रति समान भाव, और जब भी मेरे मालिक की आज्ञा होती है मैं सिर्फ तभी बोलती हूँ, इसीलिए हमें आवश्यकता पड़ने पर बोलना चाहिए और जब भी बोलना चाहिए मीठा बोलना चाहिए, और हमें कभी भी अपने अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ये मुरली अत्यंत प्रिय, और वो अपनी मुरली को अपने पास ही रखते हैं, इतना वो किसी को भी अपने पास नहीं रखते। अगर हम भी इस मुरली के जितने हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे तो भगवान श्री कृष्ण के हम सदैव पास रह सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर इतने गुण है नहीं, हमारे अंदर हम जन्म से ही कुछ विकारों के साथ पैदा होते हैं, और जब हमारी मृत्यु होती है तब भी हमारे अंदर विकार ही होते हैं। इसलिए किसी के जन्म होने पर या किसी के मृत्यु होने पर घर में पूजा नहीं की जाती। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अत्यंत प्रिय है। जय श्री कृष्ण।